फ्रेंड्स, तो जिंदा है ना आप सभी। हम हाजिर हैं दोबारा से एक बार फिर 21 तारीख के कुछ फैक्ट्स लेके। तो स्टार्ट करते हैं, मैं विकास आप सभी के साथ मेरे यूट्यूब चैनल क्रैफेक्स जेड में। तो देखते हैं कि 21 तारीख ने इतिहास में क्या क्या दबा रखा है। पहला फैक्ट, आप बता सकते हैं कि भारत के कितने राज्य हैं? अरे बहुत ही आसान हो गया ये तो, भारत के तो 28 राज्य हैं। बट क्या आप ये बता सकते हैं कि अमेरिका में कितने राज्य हैं? चलो हम आपको बताते हैं, अमेरिका में 50 राज्य हैं। और 21 अगस्त 1959 को ही हवाई, जो अमेरिका का एक राज्य है, हवाई को जोड़ा गया और वह अमेरिका का 50वां राज्य बना। तो आप सभी को कुछ पता लगा कि अमेरिका में 50 राज्य हो सकते हैं और हैं। बढ़ते हैं दूसरे फैक्ट की तरफ। ये फैक्ट तो इतना कह सकते हो कि चर्चित है, जिसके बारे में आज तक किसी को यही नहीं पता कि इसमें आखिरकार राज छिपा क्या है। तो 21 अगस्त 1911 को फ्रांस के एक म्यूजियम से एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकारी, जो मोनालिसा की पेंटिंग कही जाती है, जिसको लियोनार्डो द विंसी ने बनाया था, यह पेंटिंग आज के ही दिन 21 तारीख 1911 को उस म्यूजियम से चोरी कर ली गई। बताया जाता है कि ये जो पेंटिंग है 500 साल पुरानी है, और यह पेंटिंग 500 साल पुरानी हो जाने के बाद भी जैसे 500 साल पहले थी वैसे की वैसे ही आज दिखाई देती है। और इस पेंटिंग में इतने रहस्य छिपे हुए हैं कि आज तक किसी को ये नहीं समझ में आया कि इस पेंटिंग का असली मतलब क्या है और इसको बनाया क्यों गया था। बढ़ते हैं तीसरे फैक्ट की तरफ, इसे कौन नहीं जानता, अर्थात इन्हें कौन नहीं जानता, जो रेस दौड़ता है, जो चीते की भी रफ्तार से तेज भागता है, हाँ आप सभी पहचान ही गए होंगे, उसेन बोल्ट की बात कर रहे हैं। कल अर्थात आज 21 अगस्त 1986 को ही हुसैन बोल्ट का जन्म हुआ। तो हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, हमारे व्यूवर्स की तरफ से हुसैन बोल्ट के जन्मदिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। आज के ही दिन 21 अगस्त 1754 में विलियम मुडोच का जन्म हुआ, जिन्होंने गैस लाइट का आविष्कार किया। हाँ दोस्तों, गैस लाइट का आविष्कार आज के ही दिन 21 अगस्त 1754 में हुआ था। अगला फैक्ट तो बहुत ही रोचक है। रोचक कैसे, मैं आपको बताता हूं। अमेरिका में आज के ही दिन 40 साल पहले पहली बार, या फिर कहो 40 साल पहले पूरा सोलर इक्लिप्स देखा गया, अर्थात पूरा सूर्य ग्रहण देखा गया, जो ओरेगन से दक्षिणी कैरोलिना तक देखा गया था। मतलब आज के ही दिन अमेरिका ने 40 साल पहले एक पूरा सूर्य ग्रहण देखा था। कितना अजीब सा है ना, भारत में तो ऐसा लगता है कि सूर्य ग्रहण हर महीने ही आ जाता है, अमेरिका के लिए तो ऐसा हो गया कि 40 साल के बाद वो सूर्य ग्रहण देख रहे थे, अर्थात आज के दिन उन्होंने 40 साल पहले क्या देखा था, सूर्य ग्रहण देखा था। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। 21 अगस्त 1995 में ही आज के दिन हमारे भारत के मशहूर वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का निधन हो गया था, और आज के ही दिन उनके निधन के उपलक्ष्य में हम उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, उनके प्रति नमन व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे भारतीय राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ न्योछावर किया, अपना ज्ञान और अपना समय दिया। इसीलिए उनको 1983 में नोबल पुरस्कार भी से सम्मानित भी किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। 21 अगस्त 2006 में इनको कौन नहीं जानता, सहनाई तो सुन ही होगी, और सहनाई का नाम सुनते ही आपके समक्ष एक नाम जरूर आ जाता होगा, बिस्मिल्लाह खां का। बिस्मिल्लाह खां का निधन आज के ही दिन हुआ था, 21 अगस्त 2006 को। बिस्मिल्लाह खां की सहनाई विश्व प्रसिद्ध है, और विश्व के कई सारे लोग उसकी सहनाइयों को सुनने में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट,
21 अगस्त 1915 को आज के ही दिन इटली ने तुर्की के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध की घोषणा कर दी थी कि अब इटली क्या करेगा, तुर्की के ऊपर हमला करेगा। अगला फैक्ट थोड़ा सा दुखद है। 21 अगस्त 1986 को आज के ही दिन कैमरून में ज्वालामुखी फटा और उस ज्वालामुखी के फटने से इतनी जहरीली गैसें निकली जिन्होंने 2000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। था ना कितना दुखद, कितना बुरा होता है ऐसा सब कुछ जो किसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हम किसी भी कारण मर जाते हैं। पर प्रकृति के आगे तो कोई भी झुक नहीं सकता, मतलब प्रकृति के आगे तो सबको झुकना ही पड़ता है, आप उनसे बच नहीं सकते। और अंत में तो आप सभी जानते हैं कि हमने बहुत कुछ अच्छा भी सुना, बहुत कुछ दुखद भी सुना, पर सुख और दुख तो चलता ही रहता है। बहुत कुछ आपके जीवन में अच्छा भी सुनाई देगा और बहुत कुछ आपके जीवन में थोड़ा दुखद भी सुनाई देगा। तो आज हमने भी कुछ ऐसा ही ऑडियो सेशन बनाया है जिसमें सुख भी था और कुछ हद तक दुख भी दिखाई दिया, बट अंत में तो हम सब सुखद ही रखते हैं क्योंकि आपको तो पता ही है आपको वेट करना है, करना ही है और करना ही पड़ता है क्योंकि हम आपको आखिरी में बताते हैं कि आपको वेट करना ही क्यों है। तो दोस्तों 21 अगस्त को ही वर्ल्ड सीनियर नेशनल सीनियर सिटीजन डे होता है। क्या होता है? नेशनल सिटीजन डे, अर्थात नेशनल सीनियर सिटीजन डे। सिर्फ सिटीजन डे नहीं, सीनियर सिटीजन डे। हमें ये समझना होगा कि सीनियर जो लोग हैं, सीनियर सिटीजन जो है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके दफ्तरों में अगर कहीं पर भी सीनियर सिटीजन हैं तो आप उनको सीनियर सिटीजन डे विश करें और उनको सम्मान दें। उनकी जो अगर परेशानी है तो उनको सुलझाने का प्रयास करें, उनके साथ समय बिताएं ताकि सीनियर सिटीजन का सम्मान समाज के अंदर बना रहे। और हम भी आशा करेंगे कि आप भी सीनियर सिटीजन का सम्मान करें और हम भी सीनियर सिटीजन का सम्मान करें ताकि इस दिवस को हम बहुत अच्छे से मना सकें। तो कैसे लगे आपको आज के फैक्ट? बहुत अच्छे ही थे और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। इसी के साथ आज के इस ऑडियो सेशन से हम टाटा बाय करते हैं और मिलते हैं अगले ऑडियो सेशन में।